गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो रिवाइज कर रहे हैं। ओके, आई एम योर साइंस टीचर गुंजन। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीथिंग प्रोसेस इन एनिमल्स। ओके, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? ओके, द ऑर्गन्स दैट कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वी ब्रीथ। ओके, जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो जिन ऑर्गन्स के थ्रू हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ओके, तो ह्यूमन्स की बात करें तो उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा है? लंग्स। ओके, तो हम इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने ब्रीथिंग प्रोसेस स्टडी करना है डिफरेंट एनिमल्स में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग इन इंसेक्ट्स। ओके, तो जो इंसेक्ट्स हैं, यू कैन सी इन दिस फिगर। ओके, तो इंसेक्ट्स में क्या है? स्पेशल ओपनिंग्स है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। सी दिस। ओके, तो जो स्पाइरेकल्स है इसके थ्रू जो इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं। ओके, जो एयर है वो अंदर किसके थ्रू जाती है? ट्यूब्स के थ्रू। ओके, विच इज नोन एज ट्रेकिया। ओके, द एयर रीच इनसाइड द बॉडी बाय ए सीरीज ऑफ स्मॉलर पाइप्स कॉल्ड ट्रेकिया। ओके, अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस किसके थ्रू ब्रीथ करती हैं? गिल्स के थ्रू। सी दिस। ओके, तो जैसे ही फिशेस ब्रीथ करती हैं, एज द वॉटर पासिस ओवर द थिन वॉल ऑफ द गिल्स, तो जो ऑक्सीजन है वो उनके ब्लड तक जाती है और डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द फिश। ओके, तो फिशेस किसके थ्रू ब्रीथ करती हैं? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, ब्रीथिंग इन एम्फीबियंस। ओके, तो एम्फीबियंस कौन से हैं? जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। ओके, तो एम्फीबियंस, अडल्ट एम्फीबियंस किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? विद देयर लंग्स एंड स्किन। ओके, और जो उनके बेबीज हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ओके, ब्रीथिंग इन रेप्टाइल्स। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, लाइक क्रोकोडाइल। ओके, वाटर में रहता है, पानी में, बट उसके पास गिल्स नहीं है। ओके, तो वो कैसे ब्रीथ करता है? बाय रेजिंग देयर हेड्स अबोव द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, तो वो अपने हेड को रेज करता है सरफेस ऑफ वाटर के अबोव। ओके, बर्ड्स में किसके थ्रू ब्रीथ होता है? बर्ड्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ओके, दे हैव स्मॉल होल्स नोन एज नरीज ऑन द बोथ ऑफ देयर बीक्स टू इनहेल एयर। सी स्टूडेंट्स, इन दिस फिगर दिस इज नरीज। ओके, ऑस्ट्रिच यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके, तो मोस्ट बर्ड्स हैव नरीज एट द बेस ऑफ देयर अपर बीक। ओके, लेकिन कीवी एक ऐसा बर्ड है जिसमें नरीज कहाँ प्रेजेंट है? एट द टिप ऑफ इट्स बीक। ओके, सो ये क्या है आपके पास? ब्रीथिंग प्रोसेस डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। ओके, इफ वी टॉक अबाउट मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर नोज, लाइक डॉल्फिन। ओके, तो डॉल्फिन में नोज के अलावा क्या है? ब्लो होल। ओके, जैसे ह्यूमन पर्सन किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? नोज के थ्रू। ओके, लेकिन जो वॉटर एनिमल्स हैं लाइक डॉल्फिन, ओके, वेल की हम बात करें तो उनमें नोज के अलावा क्या है? ओके, नोज, ह्यूमन बीइंग्स में तो नोज है। ओके, लेकिन इंस्टेड ऑफ नोस्ट्रिल दे है ब्लो होल। ओके, तो वो ब्लो होल की हेल्प से क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। ओके, तो वो कौन सी गैस ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन। और बाहर कौन सी रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स। ओके, इफ वी टॉक अबाउट फीडिंग हैबिट्स। ओके, ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग कौन से हैं? हर्बीवोर्स। ओके, लाइक गोट्स, हॉर्सेस। ओके, दे हैव शार्प टीथ, आर इनसाइजर्स। ओके,
for cutting the plants. Okay, they also have strong molars for chewing. Okay, तो food को चबाने के लिए उनमें क्या present है? Molars. Okay, rodents की बात करें like rabbits, rats. Okay, they have long and sharp front teeth. Okay, to know the seeds and fruits. Okay, carnivores की बात करें like lions, tigers. वो क्या खाते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. ओके, उनका जो मांस है वो खाते हैं. तो उनमें क्या है? शार्प एंड पॉइंटेड केनाइंस टू टियर द फ्लैश. ओके, अगर हम बर्ड्स की बात करें, ईगल्स, काइट्स. ओके, तो उनमें क्या है? शार्प बीक. ओके, फ्लैश करने, टियर द फ्लैश. ओके, क्लो टू कैच. ओके, अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें लाइक शार्क्स, वो भी कार्निवोर है. दे हैव स्ट्रॉन्ग जो. ओके, एंड शार्प टीथ. ओके, तो दिस इज अबाउट ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई. ओके, हैव अ फीडिंग ट्यूब. उनमें क्या प्रेजेंट है? फीडिंग ट्यूब प्रेजेंट है. ओके, तो उसे आप क्या बोलते हो? प्रोबोसिस. ओके, क्या बोलते हो? प्रोबोसिस. नेक्स्ट इज योर बॉडी कवरिंग इन एनिमल्स. ओके, कि एनिमल्स की जो बॉडी है वो किससे कवर्ड होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल फेदर्स. बर्ड्स फेदर्स कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई. तो जो बर्ड्स के फेदर्स हैं वो उन्हें वार्म रखते हैं, फ्लाई उड़ने में हेल्प करते हैं. स्केल्स, जो फिशेस हैं. ओके, द ओवरलैपिंग स्केल्स ऑफ अ फिश, सी हियर. ओके, डू नॉट लेट वाटर एंटर देयर बॉडीज. ओके, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स ऑल्सो हैव स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन. ओके, उनमें भी प्रोटेक्शन के लिए स्केल्स हैं. नेक्स्ट शेल, तो शेल क्या है? शेल इज वेरी हार्ड कवरिंग. ओके, तो स्नेल्स है जैसे ऑयस्टर्स. ओके, लाइक सी दिस इज शेल. ओके, नेक्स्ट फर एंड वूल. सम एनिमल्स सच एज शीप, शीप के अंदर कौन सी कवरिंग है? वूल. इट कीप्स देयर बॉडी वार्म लाइक आर्कटिक फॉक्स. ओके, पोलर बियर की हम बात करें तो उसे कोल्ड से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या है? थिक फर. ओके, यू कैन सी हेयर इन दिस फिगर. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, अदर बॉडी कवरिंग्स लाइक पोक्यूपाइन. ओके, पोक्यूपाइन में क्या है? क्विल्स. ओके, दिस वन. ओके, अगर हम आमाडीलो की बात करें तो उसमें भी क्या है? प्रोटेक्शन के लिए, एनिमिस के लिए इस तरह की प्लेट्स हैं. ओके, आमाडीलो में. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सम एनिमल्स ब्लेंड इजिली विद देयर बैकग्राउंड. ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ब्लेंड हो जाते हैं. ओके, इजिली विद देयर बैकग्राउंड के साथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल द कलर एंड स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी ऑफ अ टाइगर ब्लेंड्स विद द फॉरेस्ट बैकग्राउंड. दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज. ओके, कि जो टाइगर है उसके जो कलर है और स्ट्रिप्स हैं बॉडी पर, ओके, वो ब्लेंड हो जाती हैं, मैच कर जाती हैं बैकग्राउंड के साथ. ओके, लाइक यू कैन सी हियर मथ, सिल्क मथ ऑन अ वॉल. ओके, कैमोफ्लेज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैमोफ्लेज. ओके, तो आपका यहाँ तक जो चैप्टर है, आपका सेकेंड चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, हमने कंप्लीट कर लिया है. आपने इसे अच्छे से रिवाइज करना है. यू कैन सी चेक पॉइंट. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिशेस किसके थ्रू ब्रीथ करती हैं? गिल्स के थ्रू. और ह्यूमन बींग्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दियर नोज. फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू द स्किन. पोलर बियर्स हैव थिक फर कवरिंग दियर बॉडी. क्रोकोडाइल्स हैव ओवरलैपिंग स्केल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स,
आपने अपना जो सेकेंड चैप्टर है यू हैव टू रिवाइज, आपने अच्छे से रिवाइज करना है. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वील डू एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे सेकेंड चैप्टर के. ओके, तो आपने इसे अच्छे से रीड करना है, यू हैव टू रीड दिस. आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट. थैंक यू.